देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ इफ के अंदर या फिर लॉजिकल फार्मूले में आज थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इफ एंड और टीके फॉल्स नॉट ये डिस्कस कर लिए थे, और हमने कहा था हम आपके साथ एक्सेल में 2019 में जो नए फार्मूले आए, आज हम वो आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग आपके साथ पहले एक बार पीछे का रिकैप कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक्सेल में लास्ट क्लास में आपके साथ लॉजिकल फार्मूले स्टार्ट करे थे, और जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसा फार्मूला है जो एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है इफ। इफ का मतलब होता है जब किसी कंडीशन के बिहाफ से आपको कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है, तब तो हम इफ की मदद लेते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर इफ लगाया था, कहा था कि अगर ये वैल्यू 50 से बड़ी हो तो तुम मुझे पास दे देना, अदरवाइज फेल दे देना। और किसी फार्मूले को लगाते वक्त हमने कहा था उसके सेंटेंस को विशेष ध्यान देना होता है कि उसका सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर हम उसके सेंटेंस को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आगे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे इफ लगाते वक्त आपको पता है कि इफ के अंदर पहला जो सेंटेंस होता है वो रिक्वायर्ड होता है, बाकी दोनों चीजें वो ऑप्शनल होती है। आप डालोगे तो आपके बिहाफ से रिजल्ट आएगा, और अगर आप नहीं डालोगे तो जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट होगा वो आएगा। साथ साथ हमने आपको लास्ट क्लास में इफ में नेस्टेड इफ बता दिया था, एंड का यूज बताया, जब अगर आपको सारी कंडीशन ट्रू करनी है तो आप एंड लगाओगे। और का यूज बताया था, जब आपको अपनी सारी वैल्यू में से कोई वैल्यू एक ट्रू चाहिए और बाकी अगर ना हो तब भी चलेगा, तो उस केस में और लगा था। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब में कहा गया हो कि 10 डॉक्यूमेंट में से आपको एक ही डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो तुम वहां और लगाओगे। लेकिन कहीं आप जॉब पर जाते हो, जॉब पर कहा गया कि आपको चारों चीजें पूरी करनी है तब आपको जॉब मिलेगी, तो वहां एंड लगाएंगे। जहां भी रिक्वायर्ड है, मतलब चाहिए ही चाहिए, तो वहां एंड लगता है, और जहां चीजें नहीं चाहिए होती वहां और लगता है। साथ हमने आपको नॉट भी डिस्कस करा था। नॉट का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो उसे फॉल्स कर देगा, और कोई वैल्यू फॉल्स होगी तो उसे ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर आप इसे ट्रू करोगे तो फॉल्स कर देगा। तो अपोजिट है, कई बार जब मेरा आंसर ट्रू आएगा तो मैं उसे पॉजिटिव बनाना नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, नॉट का यूज करूंगा। ये सारे फार्मूले हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, और आज हम आपके साथ एक्सेल में 2019 में जो आए नए फार्मूले वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नया फार्मूला आया है वो आया इफ एन ए का। कौन सा फार्मूला आया है? इफ एन ए का फार्मूला आया है। अगर आपके डाटा में कहीं भी हैश एन ए की एरर आती है, अगर आपके डाटा में कहीं भी हैश एन ए की एरर आती है, तो आप अगर उसके बिहाफ से कोई दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इफ एन ए लगाओगे। अगर एरर नहीं होगी तो जो वैल्यू होगी वही शो करेगा। जैसे मैंने बोला, अगर ये वैल्यू हैश एन ए है तो तुम इसकी जगह दे देना नॉट एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, और इंटर मार देना। तो जहां जहां वैल्यू हैश एन ए की होगी वहां वहां वैल्यू नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, और जहां एन ए की एरर नहीं होगी वहां आपका हेलो दिखाई देगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है इफ एस का। आपके तो इफ्स का फार्मूला आता है, इफ के आगे एस जुड़ गया तो इफ्स हो गया। आपको याद होगा जब मैंने ग्रेड सिस्टम सिखाया था तो बहुत लंबा फार्मूला लगाया था मैंने उस समय आपके साथ। लेकिन अगर आप बचाना चाहते हैं अपने टाइम को या अपने फार्मूले की लेंथ को कम करना चाहते हो, तो उसमें आप इफ्स की मदद ले सकते हो। किसकी मदद ले सकते हैं? इफ्स फार्मूले की मदद ले सकते हैं। जैसे कि हमें किसी को कमीशन देना है, लेकिन यहाँ कमीशन परसेंटेज चाहिए, यहाँ कमीशन अमाउंट चाहिए।
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये चाहिए, अगर किसी ने कमीशन, किसी की सेल 0 से 10 हजार है तो नील, अगर किसी की 10 हजार से 20 हजार है तो 5%, अगर किसी की 20 हजार से 30 हजार है तो 10%, किसी की अगर 30 हजार से 40 हजार है तो 15%, 40 हजार से 50 हजार है तो 20%, और किसी की 50 हजार से ऊपर है तो मैं उसका 25% चाहता हूँ। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं इफ तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अब इफ्स लगाऊंगा। इफ्स में जैसे तो पहला आता लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो तुम क्या करना, निल दिखाना, इसे लिंक कर दिया और इसे F4 करके फिक्स भी कर दिया ताकि अपनी वैल्यू चेंज ना करे। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट कर, इसने कहा लॉजिकल टेस्ट टू, अच्छा दूसरी कंडीशन लगाओ। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू B2 की वैल्यू अगर लेस देन 20,000 है तब तुम क्या शो करना, ये शो करना, मैंने इसे फिक्स कर दिया। फिर मैंने फिर कॉमा लगाया और फिर बोला अगर ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30,000 है, ठीक है, तो तुम मुझे क्या देना, तो मुझे ये देना, और इसको भी F4 कर दी, एंटर मारूंगा तो कोई रिजल्ट आ जाएगा, आ गया निल। इसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा लॉजिकल ऑपरेटर, अगर मेरी B2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40,000 है तो क्या देना आप मुझे, ये देना, इसे भी मैंने फिक्स कर दिया, क्लियर। और फिर लास्ट में बोला कि इफ अगर मेरी B2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50,000 है तो मुझे क्या देना, ये देना, F4 करके मैंने इसे फिक्स कर दिया, नील आ गया। अब लास्ट सेंटेंस बचा है कि इफ अगर ये वैल्यू B2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 देन शो मी दिस वैल्यू, और मैंने इसको फिक्स कर दिया, बस। अब देखिए बहुत इजी हो गया सेंटेंस, और अगर मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो इसके बिहाफ से आंसर आ गया। और देखो ये फिक्स कर दिया तब सही आंसर आया, लेकिन अगर आप इसे फिक्स नहीं करते फार्मूले लगाते वक्त तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब लगाएं तो उसे फिक्स कर दें, क्लियर, ये आ गया। अब हमें इसको गुणा करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा दिस इंटू दिस, तो ये तो एरर देगा, और हमने इसे नीचे ड्रैग कर दिया, तो यहाँ तो सही आ गया लेकिन यहाँ दिक्कत आ रही है। तो फिर उस केस में क्या करें, तो उस केस में आपको लगाना है इफ एरर, आपको पता है आपकी वैल्यू एरर देगी। मैंने कहा इफ अगर, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर देते हैं, या फिर हम इसे जीरो ही कर देते हैं ना, नील को हटा के यहाँ जीरो कर दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आप ये भी काम कर लो तो आ गया जीरो, क्लियर। नहीं तो आप और भी कोई फार्मूला यूज कर सकते, तो ज्यादा अच्छा है कि आप उसे क्या लिख दो, जीरो लिख दो। तो देखिए हमने किस फार्मूले की मदद ले ली, हमने एक्सेल में इफ्स फार्मूले की मदद लेके अपने काम को सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सेल 2019 के अंदर एक फार्मूला आया, स्विच फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है। फार्मूला कहता क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्विच फार्मूले का यूज ये है कि जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं Day 1 लिखूं तो मंडे आ जाए, मैं Day 2 लिखूं तो ट्यूजडे आ जाए, Day 3 लिखूं तो वेनेसडे आ जाए, Day 4 लिखूं तो थर्सडे, Day 5 तो फ्राइडे। लेकिन अगर मैं इफ लगाऊं ना तो बहुत लेंदी इफ लगेगा, बहुत ज्यादा लेंदी इफ लगेगा। तो उस केस में आप क्या लगा सकते हैं, स्विच का फार्मूला। मैंने बोला इक्वल स्विच, अभी कहता है एक्सप्रेशन, मैंने कहा जो वैल्यू यहाँ लिखे, जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा तुम उसे लिंक करना, अगर वैल्यू मिलती है, ये वाली वैल्यू मिलती है यहाँ पर तो तुम क्या दिखाना रिजल्ट में, मंडे। अगर यहाँ वैल्यू 2 मिलती है तो, अगर डिफॉल्ट वैल्यू अगर 2 मिलती है तो यहाँ ट्यूजडे दिखाना, अगर 3 मिलती है तो ये दिखाना, अगर ये मिलती है तो ये दिखाना, ठीक है, ये मिलती है तो ये दिखाना, ये मिलती है तो ये, ठीक है, ये मिलती है तो ये मिलती है तो ये, और ये मिलती है तो ये, और ये मिलती है तो ये, देखो बन गया। यहाँ 2 लिखूंगा तो ट्यूजडे, यहाँ 3 लिखूंगा तो कौन, ठीक है, देखो कितने इजी तरीके से हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं इसे नहीं कर पाता, क्योंकि
क्योंकि ये क्या करता है, जब तुम ये फार्मूला लगाते हो, तो मैं अगर इस फार्मूले को यहाँ लगाऊं स्विच, इसके बाद बोलू कि अगर ये एक्सप्रेशन मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी उसको तुम मैच करो, मैंने कहा वैल्यू अगर यहाँ जो वैल्यू लिखी है वैल्यू 1, अगर आंसर क्या है तो वेनेसडे दे देना, वैल्यू 1 मैच हो जाए तो यहाँ आंसर क्या देना मंडे, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू 2 तो यहाँ क्या देना ट्यूजडे, डिफॉल्ट वैल्यू दिस तो ये देना दिस 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 दिस, बस इंटर मार दो, क्लियर। तो ये यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है एक्सोर। एक्सोर का फार्मूला कहता है हमें क्वालिफाइड को थर्ड लेवल चाहिए, लेकिन कंडीशन ये, अगर किसी ने पहला लेवल पास कर लिया और दूसरा लेवल पास कर लिया तो थर्ड लेवल उसके लिए नहीं, वो ऑलरेडी थर्ड लेवल के लिए पास हो गया है। अगर दोनों में से फेल है उसके लिए भी थर्ड लेवल है ही नहीं, वो क्विट हो गया, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर किसी ने पहला पास कर लिया और दूसरे में फेल हो गया तो तीसरा उसके लिए रिक्वायर्ड है। मतलब मुझे ये चाहिए कि अगर मेरा एक में वो पास है और दूसरे में फेल है, या फिर एक में फेल है और दूसरे में पास है, वही थर्ड लेवल के लिए क्वालिफाइड है। तो मुझे एक्सेल में कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जो ये बता दे कि आपका एक वैल्यू फेल है और दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो फिर मेरे आंसर आए, अदरवाइज आंसर ना आए। एक्सेल में अभी तक ऐसा कोई लॉजिकल फार्मूला नहीं है। अगर आप ये लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्लियर। लेकिन इस तरीके का फार्मूला आप एक्स और की मदद लेके कर सकते हैं। मैंने कहा एक्स और, मैंने कहा लॉजिकल दिस इक्वल टू क्या है पास, ठीक है, और दूसरा दिस इक्वल टू पास, ठीक है। और इसे एंटर मार देना, ये आ गया फेल। और जैसे ही नीचे ड्रैग करोगे आंसर, देखो अब ये क्या करेगा, अगर दोनों पास होंगे तब भी फेल दिखाएगा, मतलब तुम्हारे लिए तो है ही नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी थर्ड के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन पहले में पास दूसरे में फेल तो ट्रू, पहले में फेल दूसरे में पास में ट्रू, दोनों में फेल तो फेल, दोनों में पास तो फेल, और एक में पास एक में फेल, तो बन गया। आप यहां लगा लो इफ, लगा दो इफ दिस वैल्यू इज फेल तो लिख दो नॉट रिक्वायर टू थर्ड लेवल, ठीक है, यहां लगा दो, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर यहां नॉट रिक्वायर्ड अगर ट्रू फॉल्स आया तब नॉट रिक्वायर्ड, और अगर ट्रू आया तो लिख दो यहां पर यू यू लिख दो आगे यू रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू थर्ड लेवल, ठीक है, और एंटर मार दो बस। जो नहीं होगा वहां नॉट आ जाएगा, और जिसका होगा तो वो आ जाएगा यू रिक्वायर्ड टू थर्ड लेवल और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू